मिस्टर जस्टिस शाहिद जमील साहब ने केवल अपने कलाम का इजहार किया। डॉक्टर प्रवेज हसन साहब के फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं स्पोक्समैन पे आया और आपसे पहले तो बड़ी इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड शेयर करूँगा कि भाई डॉक्टर वाज रिक्वेस्टेड टू कम टू बाहर। मैं डॉक्टर और डॉक्टर से यस्टरडे शेयर ऑफ माई एक्सपीरियंस व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिस टू द आइकॉन इन कमर्शियल लॉ to set a trend of corporate practice in Lahore was Dawsar and like many other leaders being inspired, I went to his chamber and I told him for the very first time that I was elected. I was not taken as in his office. So, mera wo jo इंस्पिरेशन थी वो परसुएट थी वो टाइम नहीं चलती रही जैसे मुलाकातें होती थी बताया नहीं। लास्ट टाइम सो हैपेंड दैट जस्टिस शहबाज़ वाज़ नॉट हियर, चीफ जस्टिस साहब ने मुझे एक हुक्म किया पी के लिए सीनियर जज आने का, तो आपके सदर नदीम साहब से मुलाकात हुई। आई न्यू हिम बिफोर एज ए प्रोफेशनल लॉयर, मुझे इधर आके पता चला तो सदर भी हैं, थोड़ी सी डिस्कशन हमारी आपस में जो चाय पे होती है, जस्टिस के बाद थ्रू दिस आइडिया के हमें यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करना है और हम आपस में हैं। ये बातें कुछ इनफॉर्मल है कि मुझे जस्टिस के बाद ने पुश करके कहा है कि हमें जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ कह रहे हैं, बस नॉट शेड्यूल कोई तकदीर मैंने लिखी नहीं हुई, तो इसलिए आपसे दिल की बातें जिक्र करूँगा। इस कॉन्फ्रेंस की बैकग्राउंड थोड़ी सी बताऊँगा, तो वो बैठे हुए भी बात हुई, तो पहली बात जो हम वहाँ पे बैठे हुए भी लाहौर में अक्सर सोचते भी हैं करते भी हैं, ये फ्रेंकली इन बातों को अपने दिल में भी लेना रियलिटी भी पा रहा है। बेंचेस पर तो फ्रेगरेंस लिटिगेशन वहाँ पर कोई सब्सटेंशियल काम होते हैं, मैं पहले शेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ आके थोड़ा सा परसेप्शन चेंज हुआ, जैसे जैसे जो आपने अभी कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे बैठी है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करे तो ये डायरेक्शन पर ही बैठे और फिर हमारा इतना काम बढ़ गया शायद इतना काम ना हो, तो इस चीज़ को सामने रखते हुए नदीम साहब ने आपके सदर साहब ने प्रपोज किया कि आप यानी वॉरियर्स को थोड़ा सा एड्रेस करें, उनको ले आता हूँ। तो वो इसी तरह एक मेरा आपको हड़ताल वाले दिन सारे एम्प्लॉय आते हैं, हमने उनके साथ गुफ्तगू की, उसके बाद जब बैठे तो फिर मेरा जस्टिस जवाब जस्टिस मुजाहिद की फादर खैदर हम बैठे हुए कि डिस्कस कर रहे थे कि यंग लॉयर्स को बूस्टअप कैसे किया जा सकता है, उनको ये बताया जा सके गए कि वो किसी से कम नहीं। तो फर्स्ट थिंग विच आई वांटेड टू गेट नोटिस ऑफ वाज कि इस वक्त पाकिस्तान के सीजेपी और लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के जो सीजे हैं वो दोनों साउथ पंजाब से हैं और सीजे इज सन ऑफ दिस सॉइल, आज यहाँ पर बैठे हैं। ये प्रेजेंटिव अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सारा साउथ पंजाब से लड़ा एंड दे आर नॉट ओनली आई विल रेफर टू डॉक्टर टूवेज हसन एंड डॉक्टर तारिक साहब, दे हैव रूट्स इन दिस एरिया बट दे आर रिकग्नाइज इंटरनेशनली इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। अगर ये यहाँ पहुँच सकते हैं तो आज हमारा जो यंग लॉयर है उसको सिर्फ डायरेक्शन देने की जरूरत है और वो मेरा ये बिलीफ है, मेरा ये मान है कि इस मिट्टी में बहुत टैलेंट है और ये वहाँ तक जरूर पहुँच सकते हैं। सिर्फ उनको रियलाइज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पे लाइट थ्रो करने के लिए हमने फिर इसको प्लान किया, जस्टिस शहबाज रिजवी साहब ने हमें लीड किया और चीफ जस्टिस साहब की रहनुमाई में हम आज यहाँ पे खड़े हैं। बहुत सारी बातें अभी होंगी, बहुत सारी बातें होती हैं। डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस पे मैं
सिर्फ अभी बैठे हुए गौर कर रहा था तो मैंने ये प्रायोरिटी लिस्ट उसकी बनाई है। अगर हम इसको चार हिस्सों में डिवाइड करें डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस को, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द साइल की लिटिगेंट। लिटिगेंट्स का जो आपस में मसाइल है, अगर उनके घर में खत्म हो जाए तो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस घर में ही मिल जाती है। जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन से राइट उन्होंने लेना है वो इस एडमिनिस्ट्रेशन ने दुनिया में यहाँ पे बैठे हैं। जब उनके दरवाजे बंद होते हैं, दरख्वास्तों पे कोई प्रोग्रेस नहीं होती है, उनको अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड नहीं दी जाती है, तो देन दे कम टू अ लॉयर व्हिच इज द थर्ड पार्टी। नाउ द लॉयर हैज टू सिट एंड मेक आउट अ केस फॉर डायरेक्शन और अदरवाइज। मैं पहले पिछले रविवार इसको एड्रेस करते हुए एक चीज़ पे हैरान भी हो रहा था और नोटिस भी किया हमने कि कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल नोटिस हैज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम पाकिस्तान एटलीस्ट दिस पार्ट ऑफ द प्रोविंस। कि पहले अभी डॉक्टर साहब ने शायद आपको कोई वाक्य भी बताया हो हमारे साथ शेयर कर रहे थे, लोगों ने किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को टीवी पे एक ऐड देगी विच इज नॉट प्रॉपर शुडंट बी एड इन अ टेलीविजन विच इज सीन बाय द फैमिली। तो ही जस्ट रोट ई ए इन शेप ऑफ लीगल नोटिस। अगर आप उसको खत्म नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ मैं प्रसूत करूँगा। बाय सुबह होने से पहले इनको ई मेल रिटर्न होती है कि हम इसको ब्लॉक करेंगे। दिस इज द पावर ऑफ द लॉयर एंड वर्ड्स ऑफ द लॉयर। अगर वो प्रॉपरली इसको कम्युनिकेट करता है किसी पब्लिक अथॉरिटी को बताता है कि ये नोटिस आपको आएगा, अगर आप काम नहीं करेंगे भाई नोटिस। लेकिन हमने डायरेक्शन केसेस को इतना रूटीन करवा हम उसको इतना लाइटली लेते हैं कि अब कंपोजर के पास जाके तो मेरा ख्याल है रेट का क्या नंबर होता है जो पाकिस्तान वाले रेट में ये पार्टी ने मुझे लिख करके प्रेयर पड़ता है हम उसको हमारे पास आ जाते हैं। जैसे जवाब में मैंने इकट्ठे प्लान करके ये क्वेश्चन किया जनरल कि किस सेक्शन के तहत ये राइट है उसको आप लोग और पब्लिक अथॉरिटीज की जब डायरेक्शन मांग रहे हैं उसका किस लॉ के तहत एग्जीक्यूट हो रही है। एट लीस्ट लाइट नोस देन ही इनवोकिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पोजिशन अंडर आर्टिकल 190। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आप उसको किस क्लॉज में हाई कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं। सो टुडे अगेन माय एड्रेस इज टू द यंग लॉयर्स, प्लीज आपने हाथापाई को दलील से रिप्लेस कर। वकील का काम हाथापाई करना, हाथापाई वही करता है, हाथापाई वो करता है जिसके पास दलील नहीं हो। जब नेगोशिएशन फेल होती थी पुराने जमाने में तो कुछ लोग बायोपैटिक इस काम के लिए होते थे कि फिर उनको ले जाके दूसरे तरीके से काम करता था। अनफॉर्चुनेटली ये रोल कुछ काले कोर्ट में कुछ लोगों ने सुन कर लिया है। प्लीज इस तरह प्लीज इस तरह यानी बोलिए कि आप सब का भी काम सड़क पे बैठना नहीं है, लाइब्रेरी में बैठना। प्लीज प्रमोट दिस कर। जब तक आप ये कल्चर प्रमोट नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब कोई डिस्पेंसेशन मैसेज नहीं होगा। ये बार और बेंच की कम्युनिकेशन होनी चाहिए। दिस इज वन ऑफ द वे हमारे चैम्बर्स हमारे कोर्ट्स हमारे इवन टी रूम्स होते हैं। आपके रिप्रेजेंटेटिव आप खुद हो कोई जानकार हो आपको कोई पर्सनल ग्रेवियर रिगार्डिंग जो प्रैक्टिस है ये और होता है। लेकिन प्लीज अपने रोल को समझिए। वकील का वकील से बोर्ड
और वकील जितना कॉन्फिडेंट बनता पूरी दुनिया में इस प्रोफेशन से ज़्यादा और कोई नहीं हो सकता। जिसको अपने ड्यूटीज का जवाब दो, आपकी जबान में इज्जत होना चाहिए, आपको इस काले कोर्ट की इज्जत को बहाल करना है। बेसिक मैसेज इस पूरी कॉन्फ्रेंस का ये है, जिस दिन इस काले कोर्ट की इज्जत और काला कोर्ट सिर्फ आपने नहीं करना, हमने भी करना। हम इस काले कोर्ट की इज्जत बहाल करते हैं। आई कैन एश्योर यू कि इस मुल्क में कोई इंक्रोचमेंट ना एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से होगी, ना किसी और साइड से होगी ह्यूमन राइट्स। थैंक यू वेरी मच।